लाहौर के मौलाना शौकत अली रोड पर फर्नीचर मार्केट में आतिश जद थी, लाखों का सामान जल गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मरी, गलियां, चांगला, घांचे, देवसाई समेत पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ की सफेदी बिखर गई। नथिया गली के करीब तौहीदाबाद में बर्फानी तोदा गाड़ी पर गिरने से 4 अफराद जख्मी। तोदा गिरने से मरी रोड ब्लॉक हो गया। कुलभूषण जाधव का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में चल रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कुलभूषण ने पाकिस्तान में कार्रवाइयों का एतराफ किया, हिंदुस्तान के पास बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है, इमरान खान ने जो कहा कर दिखाया, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हम पर भरपूर एतमाद किया, हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पीटीएम और अफगान हुकूमत का नापाक गठजोड़, अफगान सदर ने खुद ही भांडा दिया फूल। अशरफ गनी अपने मुल्क के हालात से बेखबर, पाकिस्तान का अमन खटकने लगा। अफगान सदर ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुबैना तौर पर मुजाहरे रोके जाने के मुतालिक ट्वीट दाग दिया। पाकिस्तान ने अफगान सदर का गैर जिम्मेदाराना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है ऐसे बयानात पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत। मंजूर अहमद मसूद के नाम से मंजूर पश्तीन नाम कैसे हुआ, किस तरीके से सोशल मीडिया में ये कंपेन चल गई, किस तरीके से एक ही दिन में 5000 सोशल मीडिया के अकाउंट अफगानिस्तान में बन गए, किस तरीके से एक टोपी मुल्क के बाहर से तैयार होकर और पाकिस्तान में इम्पोर्ट होनी शुरू हो गई, किस तरीके से 10-10 जो इंडिविजुअल्स हैं वो मुल्क से बाहर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए। अफगान हुकूमत और पीटीएम के गठजोड़ से मुतालिक डीजीआईएसपीआर भी अहम सवालात उठा चुके। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने चंद रोज कबल कहा था मंजूर अहमद महसूद मंजूर पश्तीन कैसे बन गया, अफगानिस्तान में एक ही दिन में सोशल मीडिया के 5000 अकाउंट्स कैसे बन गए, बैरून मुल्क तैयार एक टोपी कैसे यहां लाई जाने लगी, बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे कैसे होने लगे। करतारपुर राहदारी पर दो तरफा मुआहदे के लिए मजीद पेशरफ्त, पाकिस्तान की तजवीज करदा तारीखों पर भारत का मुस्बत जवाब। पाकिस्तानी वफ्द 13 मार्च को नई दिल्ली जाएगा, भारत ने भी पहले इजलास के बाद वफ्द पाकिस्तान भेजने की हामी भी भर ली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत और साइडलाइन मुलाकातें। वॉशिंगटन में होने वाली तकरीब में दुनिया भर से 3500 मंदूबीन शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जनूबी अफ्रीका से वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने वालों में बैटिंग कोच ग्रांट फ्लॉर, बैटिंग कोच अजहर महमूद, खिलाड़ी हसन अली शामिल। टीम ने अपने 40 रोजा दौरे के दौरान टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेली। हेड कोच मिकी आर्थर दौरे से मुतालिक आज और चेयरमैन PCB एहसान मानी और MD वसीम खान इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हुकूमत ने सरकारी पैकेज के तहत हज महंगा किया, निजी टूर ऑपरेटर्स ने सस्ता पैकेज देने का बेड़ा उठा लिया। एसोसिएशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एनरोल्ड कंपनीज ने 3,80,060 रुपए का हज पैकेज तैयार कर लिया। टूर ऑपरेटर्स कहते हैं हुकूमत जिम्मेदारी दे, पाकिस्तानियों को सस्ता हज पैकेज देंगे। PAC का इजलास, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी तरीके से हासिल करने का इल्जाम, मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर को कानूनी कार्रवाई से
बचा लिया गया। चौधरी मुनीर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ठेका गैर कानूनी तरीके से हासिल करने का इल्जाम था। 92 न्यूज के एंकर और सीनियर तज्जियाकार प्रोफ क्लास्ट्रा का इंकशाफ। आपने नॉन सीरियस एटीट्यूड अपना रखना है, गैर संजीदा रवैया है आपका, और अगर आपने इस तरह का एटीट्यूड रखना है आप मुझे जेल वापस भेजें। तो आज मियां साहब जो है वो चले गए हैं जेल वापस। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल। नवाज शरीफ 6 रोज सर्विसेज अस्पताल में रहे, मुख्तलिफ टेस्टों के बाद डॉक्टर्स ने सेहत तसल्ली बख्श करार दी। जेल मुंतकिली से कबल नवाज शरीफ से वालिदा और बेटी की मुलाकात। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक हुक्मरानों से रहम की कोई तवक्को नहीं, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अलीम खान नौरोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। अलीम खान ने एहतसाब अदालत में मौकिफ अपनाया कि कोई कंपनी या फ्लैट टैक्स रिकॉर्ड से बाहर नहीं, तमाम तफसीलात नैब को फराहम कर दी, अब रिमांड की क्या जरूरत है। बताया गया कि चेयरमैन नैब उनके खत पर नाराज हैं, इसलिए गिरफ्तार किया, मगर खत का कुछ इल्म नहीं। तर्जुमान नैब का कहना है गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई, चेयरमैन नैब किसी खत की वजह से अलीम खान से नाराज नहीं। समझते हैं कि इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैब के इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब के इख्तियारात बढ़ाने की जरूरत है। फौज और हुकूमत के दरमियान तारीफ की। हुकूमत ने शहबाज शरीफ से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि इस वक्त फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और रहेगी। नैब इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब को मजीद मजबूत करेंगे, मजीद आजाद करने के लिए भी तैयार हैं। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। सानिहा साहिवाल मकतूल खलील की फैमिली ने जीआईटी को बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। वकील हशाम का कहना है कि सीटीडी की झूठी एफआईआर खारिज करने का वादा पूरा नहीं हुआ। उधर जीआईटी ने जेशान की फैमिली को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं बुलाया। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी कराने की पेशकश भी की थी। सांगढ़ में कंजारी गांव के वसान फॉर्म में 3 बच्चियां जिंदा जल गईं। इलाका मकीनों के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, घर में पड़ा तमाम सामान भी जलकर राख हो गया। सियालकोट में बावले कुत्ते शहरियों को काटने लगे। कश्मीरी मोहल्ले में पागल कुत्ते के काटने से बच्चे और खातून समेत कई अफराद जख्मी। इलामा इकबाल अस्पताल में वैक्सीन न होने से मरीज रुल गए, बाजार से वैक्सीन खरीदने पर मजबूर। सऊदी अरब के शहर अल उला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। अगले 4 रोज तक दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में भी बारिशों का इम्कान। पाकिस्तान बहरियाई की अमन मशक 2019 का आगाज आज से होगा। अमन मशकों में 46 से ज्यादा ममालिक की बहरिया अफवाज शिरकत करेंगी। भारत की हर जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने और मुल्क का तहफ्फुज़ करने के लिए तैयार है। वाइस एडमिरल अमजद खान नियाजी की अमन मशकों के हवाले से ब्रीफिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजला इरफान। और मैं हूं अमान अली खान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी माहम जाहिद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे लाहौर में मौलाना शौकत अली रोड पर वाके फर्नीचर मार्केट में लगी आग बुझा दी गई, कूलिंग का अमल जारी है।
फर्नीचर मार्केट जलकर राख बन गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 10 गाड़ियों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया है।